है पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जादौन। कोलकाता एयरपोर्ट से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया, जहां गुटखा के पैकेट में अमेरिकी डॉलर पाए गए। बता दें, 40,000 डॉलर गुटखा के पैकेट में देखकर कस्टम विभाग के अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने बैंकॉक जाने वाले सामान की तलाशी के दौरान गुटखा के पैकेट से 40,000 अमेरिकी डॉलर को जब्त कर लिया। कस्टम की ओर से एक वीडियो जारी की गई है कि इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कस्टम के अधिकारी गुटखे के पैकेट खोल रहे हैं और उसमें से अमेरिकी डॉलर निकाले जा रहे हैं। गुटखा के पैकेट में अमेरिकी डॉलर मिलने से कस्टम विभाग के अधिकारी हैरान हो गए और उनके होश उड़ गए कि गुटखा के पैकेट में अमेरिकी डॉलर। बता दें कि हाल ही में कोलकाता में विदेशी मुद्रा के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब गुटखे के पैकेट में विदेशी मुद्रा की बरामदगी हुई। कस्टम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए AIU अधिकारियों ने आव्रजन औपचारिकताओं के बाद 8 तारीख को बैंकॉक जाने के लिए निर्धारित एक पैक्स को रोका। उसको चेक इन बैगेज की तलाशी के परिणाम स्वरूप गुटखा पाउच के अंदर छिपाए गए 40,000 डॉलर यानी कि 32,78,000 रुपए की बरामदगी की गई। कोलकाता हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार स्पाइसजेट की उड़ान SG-83 कोलकाता से बैंकॉक के लिए 23:55 पर भारतीय नागरिक बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट में आव्रजन के बाद चेक इन बैगेज में बैग की तलाशी लेने के बाद शुल्क वायु खुफिया शाखा के अधिकारी को ये विदेशी मुद्रा मिली। गुटखा के पैकेट में छिपाकर 40,000 USD रखे गए। फिलहाल सीमा शुल्क कार्यालय की एयर इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कहां से आई। सीमा शुल्क विभाग के एयर इंटेलिजेंस अधिकारी बैंक में किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के भुगतान के सभी मामलों की जांच कर रहे हैं। सीमा शुल्क के अधिकारी इस मामले में ये जांच कर रहे हैं कि व्यक्ति का किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से संबंध तो नहीं है। फिलहाल गुटखा के पैकेट में मिली अमेरिकी डॉलर की राशि ने सभी के होश उड़ा दिए।